श्री श्री मां भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद भद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदर श्री 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 मां भक्ति वेदांत श्री लाल नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता आए गए सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा के उन्होंने प्रारंभ करवाए। कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन पूजा क्यों करवाएगा? तब हमारे गोस्वामी लोगों ने इसकी चार कारण बताए। पहला कारण है अगर छोली फैलाना तो श्री गिरिराज के चरण में छोली फैलाओ, श्री बांके बिहारी जी के चरण में छोली फैलाओ, क्योंकि वो ऐसे के ठाकुर है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते जो कुछ मांगो। इसलिए उन्होंने किसकी पूजा बंद करवाए? बोले इंद्र। बोले इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग के सारे देवता पूजा देवता श्री इंद्र। इसलिए भैया बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज की पूजा करो, क्यों वो सारी इच्छा को यही तुम्हारी पूरी कर सकते हैं। इसलिए भागवत में कथा आती है श्री खटवांग महाराज कहते देवता देवते में लड़ाई हुई, देवता ने खटवांग महाराज को अपना सेनापति बना करके दैत्यों के साथ में युद्ध की, उन्होंने सारे दैत्यों को परास्त कर दी। अभी ये 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो गए। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले हमें मुक्ति दो। बोले मुक्ति हम नहीं दे सकते। बोले फिर ये मुक्ति कौन दे सकता है? बोले केवल मुकुंद कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं और कोई मुक्ति दे नहीं सकते हैं। तुमको मुकुंद कृष्ण को शरण में जाना पड़ेगा। उन्होंने एक मुहूर्त में उन्होंने स्वर्ग लोक से इसी जगत में आए और सारे तन मन को कृष्ण को चरण में लगा करके एक मुहूर्त में उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया केवल कृष्ण ही जो मुक्ति दे सकते और कोई नहीं दे सकते। और दूसरी चीज देखो जैसे इंद्र की पूजा कर रहे थे लेकिन जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की इंद्र बिगड़ गया। बोले मेरी पूजा को बंद कर दिया, अभी तुमको मजा चढ़ाता। और 7 दिन तक उन्होंने इतने जोर से बारिश वज्रपात ओले और हाथी के सूंड के जैसे मूसलाधारा से बारिश करवा दी, पूरा ब्रज को सत्यानाश करने के लिए रोकी। देखो ये जो दूसरे देवा देवी है ना, जब तक इनकी पूजा करते हो ठीक है, अगर एक दिन इनका पूजा बंद कर दो ना तुम्हारे पीछे बढ़ जाएंगे। लेकिन कृष्ण कभी ऐसे नहीं करेंगे, वो कृष्ण कभी ऐसे नहीं करेंगे। पूजा करो अच्छी बात है, नहीं करो तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरे देवा देवी को थोड़ी अगर इधर उधर हो गया ना लेने को देना पड़ जाते। इसलिए पहला शिक्षा दिया हमें एक अनिष्ट हो करके श्री कृष्ण की शरण में श्री गिरिराज की शरण में हमें जाना पड़ेगा, एकनिष्ठ भक्ति करना पड़ेगा। बोले दूसरा कारण क्या? बोले इंद्र का मन में अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान? बोले मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं बारिश बरसाता हूँ, घास उगता है, गैया घास खा करके दूध देते हैं और इसी से ये ब्रजवासी पल रहे हैं। इनके मन में अभिमान थी, कृष्ण ने इनके अभिमान को दूर करना चाह रहे थे क्योंकि कृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि जितने ब्रजवासी हैं ये कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा अगर बोले कन्हैया मेरे थोड़ा खड़ाऊ ले आओ, कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके चलते चलते जाते हैं, खड़ाऊ को हाथों पर नहीं सिर पर रख करके नृत्य करते करते आते हैं। कृष्ण जिनकी झुठन खाते हैं जिनकी चरण धोली लेते हैं, इसलिए कृष्ण ने देखा तुम्हारी अभिमान को दूर करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने श्री गिरिराज की पूजा कराए, इंद्र का सारे अभिमान को उन्होंने दूर कर दिया। तीसरा कारण था
कृष्ण सोच रहे थे मैं चाहता हूँ ये ब्रजवासियों का साथ में सात सात दिन तक एकत्र मिल करके उत्सव करूं। बल्कि कैसे उत्सव कर सकता हूँ, कभी कभी गोपियों को राधा जी को दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होता है, बल्कि ऐसे कौन सा काम करूं जो सारे ब्रजवासियों को साथ में एकत्र हो जाओ। बल जब मैं इंद्र पूजा बंद करूंगा, इंद्र क्रोधित होकर के बारिश बरसाएंगे, जब मैं गिरिराज को उठाऊंगा सारे ब्रजवासियों को गिरिराज के नीचे आश्रय लेना पड़ेगा, और फिर मैं ब्रजवासियों को साथ में सात दिन तक मैं उत्सव कर सकता हूँ। यदि ये तीसरा कारण है, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ कारण क्या है, कृष्ण क्यों गिरिराज उठाए? बोले भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ मधुर लीला है ये प्रभु की रास लीला है। कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये रास लीला तो मैं अकेला कर ही नहीं सकता, जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो। उदाहरण दिया, जैसे कोई एक हीरो जब किसी हीरोइन को अपना तरफ में आकर्षण करना चाहता है, वो हीरोइन को सामने को जो बहादुर दिखाता है, और जो बहादुर देख करके वो हीरोइन अपने आप उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने दो बहादुर दिखाए। बोले पहला बहादुर किया, बोले काली अपर सर्प पर नृत्य है। बोले भैया तुम लोग बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करते हुए, कोई सर के ऊपर में कलसी लेकर के नृत्य करता है, कोई तलवार के ऊपर नृत्य करता है, लेकिन आपने कभी देखे हो कोई सांप के सर के ऊपर कोई नाचते हुए उसको देखा? इसलिए कृष्ण ने जब कालियों को सर पर नृत्य की, बोले उनका एक सौ पढ़ा था, एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहा था, एक फड़े से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे वहां पर तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया। सारे देवता लोग आकाश से उतर करके आ गए, पखवाज बजा रहे थे, कोई वीणा बजा रहे थे, कोई मृदंग, कोई मजरा बजा रहे थे, और कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण नृत्य कर रहे थे। प्रभु जी नृत्य सुनाएंगे, कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे थे कालिया के सर को बल में। तांडव गति मंडन पर तांडव गति मंडन गति मंडन पर तांडव गति मंडन Oh,
बहादुर दिखाया। देखो सर्प को उपरने में कैसे नृत्य करता हूँ, एक चीज दिखाए। दूसरा चीज क्या दिखाए, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाए। कृष्ण का उम्र था 7 दिन के और 7 क्रोश और उन्होंने 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर उठा लिया। अब जिसको देख करके जितने ब्रज की गोपियां थी सबके सब कृष्ण के चरण में लूट गए। फिर कृष्ण का रास लीला हुआ, इसलिए कृष्ण गिरिराज को उठाए। ये गोपियों को साथ में प्रभु रास रचाने के लिए उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जब 1 साल बीत गई, इंद्र ने देखा हर साल ये ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन इसी साल तो कोई पूजा पूजा कर ही नहीं रहे। इंद्र ने भेजा, देखो तो क्या हो रहा है ब्रज में। आकर के देखा, इंद्र के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई बना था वो सबके सब गिरिराज के भोग में लगा रहे। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, कृष्ण को गाली देने लग गया। बड़े बालक सभ्य बाचाल, मेरी पूजा को बंद करवा दिया तुमने, ये ब्रज का मैं सत्यानाश कर दूंगा। उसने 49 पवन को बुलाया, संवर्तक मेघ को बुला करके बोले पूरा तुम ये वृंदावन की सत्यानाश कर दो। और वृंदावन में तो प्रलय मच गया, वृंदावन में बड़े बड़े ओले गिरने लग गए और बारिश की वज्रपात। सबके सब श्री कृष्ण को शरण गए। तुम्हारी बात हमने इंद्र पूजा बंद कर दिया, देखो इंद्र क्या कर रहा है। बोले चिंता मत करो, हम सबके सब श्री गिरिराज की हमने पूजा की, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज तल में निकलते। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण कनिष्ठ अंगुल को ऊपर से श्री गिरिराज उठा दिए। बोले ब्रजवासियों में कोई चिंता मत करो, सारे सामान को लेकर के गिरिराज के नीचे आ जाओ। मैया जसोदा बारंबार कृष्ण को मक्खन खिला रही थी और हाथ को मालिश कर रही थी, मेरे लाला को हाथ में दर्द नहीं हो जाए, भूख नहीं लग जाए। और जितने गोप लोग थे सबके सब डंडा लाल रंग लगा दिया। बोले कन्हैया तब कब तक ये गिरिराज को उठाओगे, तेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, थोड़ी सी नीचे कर लो। कृष्ण बोले गिरिराज तुम लोग से टिकेगा नहीं। बोले क्यों, क्या मैया के दूध तू अकेला पिया, हमने मैया के दूध नहीं पी। हाथ नीचा कर दे, हम सबके सब गिरिराज उठा लेते हैं। जब उन्होंने हाथ को नीचा की और गिरिराज धीरे 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 नीचे आने लग गए और जितने डंडे लगा कर रखे थे ना सबके सब एकदम सबके सब टूटना शुरू की। बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही गिरिराज को तू ही उठा ले। अभी सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में कृष्ण का मुख दर्शन करते हुए बड़े आनंद ले रहे थे ब्रजवासी। इंद्र ने जी जान लगा दी। 7 दिन बाद में एक दूत को भेजा, देख करके आओ ब्रज की सत्यानाश हो गया कि नहीं। और एक दूत आया, वो ऊपर ऊपर से देख करके चला गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक नहीं मिली, सब मर गया। एक को भेजे, भैया तू देख करके आ, ये नीचे आ करके देखा ब्रज में एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। ब्रज में तो धूल उड़ रहा था। अब ब्रजवासी तो कृष्ण को दर्शन करते हुए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इंद्र ने कहा भैया ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले क्यों,
बोले जिसको तू बालक समझ रखा था, बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर भी गिरिराज उठा लिए। और जितने ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक नाच रहे गा रहे, वो तो उत्सव हो रहा था। इतने में इंद्र देखा, भैया बालक कौन है, ध्यान लगाया ना, देखा भैया ये तो मेरे प्रभु है जिसने कृपा करके हमें इंद्रपद दिया। इंद्र इतने घबरा गया, लगता है मेरा इंद्रपद ही छीन गई। उसने अपना इंद्राणी को साथ में अमरावती जहां पर इंद्र विश्राम करता है सोने के लिए कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। बोले क्यों? बोले प्रभु लगता है दोबारा इंद्रपद को छीन लेंगे। फिर अपना गुरुजी बृहस्पति के पास में गए, गुरुजी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर ब्रह्मा जी को शरण में गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, जानते हो ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण साधारण नहीं, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कर्म का जो मूल कारण ये कृष्ण है। मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरे तरह से बच गया था, वो ऐसे के देवता हुए हैं सभी की अभिमान को जो चकनाचूर किया है। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक दिन कृष्ण अघासुर को वध किए, जब अघासुर को वध किए इतने में सारे देवता लोग बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार कर रहे थे। मैंने सोचा भैया आज देवता लोग इतने जय जयकार क्यों कर रहे हैं, मैंने ब्रह्म लोक से उतरा, उतर करके देखा कृष्ण का उम्र था 5 साल का और उन्होंने बड़ा भयंकर अघासुर को उन्होंने वध कर दिया और उसका जो ज्योति जा करके कृष्ण को शरीर में समा गया। मैंने कहा भैया ये देखो ये ज्योति भी जिसकी शरीर में समाया। मैंने आगे की लीला देखने के लिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में वन भोजन कर रहे थे इतने में मैंने उनकी बछड़ा को चोरी कर ली। कृष्ण सखाओं ने कहा कन्या हमारी बछड़ा तो यही चल रहे थे, गए कहाँ? इतने में जब सखा लोग जा रहे थे कृष्ण बोले चिंता मत करो तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ ये गए कहाँ सखा लोग। जब उधर मैंने उनको ढूंढने के लिए गया, फिर ब्रह्मा जी सारे सखाओं को भी उठा करके ले गया। मैंने कहा भैया सबके सब कहाँ चले गए? पर जोग माया ने स्मरण कराया प्रभु जी ब्रह्मा जी आपकी लीला को समझ नहीं पाए और आपकी आगे लीला देखने के लिए आपको परीक्षा करने के लिए इनको उन्होंने उठा करके ले लिया। कृष्ण ने अपना शरीर से जैसे बछड़े थे, जैसे सखाएं थी, जैसे उनकी लौकिक थी, जैसे उनका चेहरा था, जैसे उनकी बोली चलना चाल सब कुछ कृष्ण ही स्वयं खुद बन गए और बन करके कृष्ण अपना साथ में स्वयं लीला कर रहे थे। इंद्र जब इसको रख करके ब्रह्मलोक में पहुंचे, पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए और वहां जो दरबार थे बोले देखो मेरे जैसे मुझे बहु रिक्तियों को मैं घूमते हुए देखा, अगर कोई आईना उनको अंदर में घुसने मत दिया करना। जब ब्रह्मा वहां पर स्वयं ब्रह्मा पहुंचे उनका जो दरबार 9 करोड़ लोग थे ब्रह्मा जी को तो लठिया लेकर के मारने के लिए भागे। बोला हमारे प्रभु तो सही बता रहे थे, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए, ये कहां से आ गया? ब्रह्मा बोले भैया ये क्या है, मेरे 9 करोड़ लोग मेरे को मारने के लिए क्यों आ रहे हैं, फिर मेरे सिंहासन में कौन बैठ गया? ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा उनकी प्रभु ही उनकी आसन को दखल कर लिया। फिर ब्रह्मा वहां से उतरे और गए और उतरते उतरते इसी जगत में 1 साल बीत गए। 1 साल पहले जैसे कृष्ण लीला कर रहे थे देखा कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा चकरा गया क्या पुनः कृष्णा मैंने जिनको छुपा करके रखा था फिर ले आए, वहां गए बोले नहीं वो वैसे के वैसे सो रहे हैं। बोले भैया ये सच ना ये सच है, तो उन्होंने 1 साल में उनके 4 सर है इधर 2 सर और इधर 2 सर, उन्होंने दोनों तरफ में जब देखा कृष्ण ने दिखाया देखो ये सबके सब ग्वाल वाल सखा कौन है देखो तुम। देखा ब्रह्मा तो एक नारायण की नाभि कमल से सृष्टि हुई, यहाँ पर जितने सबके सब ग्वाल बाल सखा सबके सब चतुर्भुज नारायण,
सबके सब नारायण, जात के नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये मेरी पिताजी है। अरे ब्रह्मा जी कृष्ण के चरण में गिर करके भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, ज्ञान की बात उन्होंने बताई। हम एक दो श्लोकों को सुनेंगे। बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास्त नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तन्वांग मनोभी जे प्रायस अधीत जितापि स्त्रौलक्यां। बोले हे प्रभु भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मतलब होता है जिनको जितना जिनको पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिनकी आराधना करने के लिए बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उचाई निरंतर ध्यान है। जिनको पाने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी तपस्या करते हैं, लेकिन जिनकी था नहीं पाते हैं। फिर प्रश्न होता है फिर क्या प्रभु मिलेंगे नहीं? फिर बोले ना प्रभु मिल सकते हैं। बोले कैसे मिलेंगे? बोले ज्ञान प्रयास निपास, जो ज्ञान का जो चेष्टा संपूर्ण रूप में त्याग दे। एक तो तत्व ज्ञान है और एक है ब्रह्म ज्ञान है। बोले ये सारे दोनों ज्ञान को त्याग करो। फिर त्याग करके करेंगे क्या? बोले संतों की शरण में रह करके काय मन और वाक्यों को द्वारा भगवान की कथा श्रवण करो। बोले भवदीय वार्ता भगवान और भक्त ये दोनों की कथा सुनते रहो, ये दोनों की कथा सुनते रहो। और तंग बांग मनोभी काय मन और वाक्यों को द्वारा कथा सुना। बोले भैया शरीर से कथा कैसे सुनेंगे? बोले जहां पर कथा होती है वहां पर जाकर के ऐसे नहीं गए और बैठ गए, नहीं, जाकर के पहले कथा स्थल को प्रणाम करो, फिर कथा में जितने भक्त लोग बैठे हैं उनको प्रणाम करो, फिर जो कथा कर रहे हैं उनको प्रणाम करो। इसलिए तन बोले बांग मतलब वाणी से जो कथा सुनते हो फिर उसको दूसरों को भी सुनाया करो। ऐसे नहीं यहाँ कथा सुना पर यहीं पर रख करके चले गए, ये कथा को अपना घर में भी लेकर के जाओ, बच्चों को पति को परिवार को भी कथा सुनाओ हैं, और मन के द्वारा कथा सुनाओ। अगर मन नहीं होगा तो कथा सुन ही नहीं सकते हैं, भले यहाँ पर बैठे हो। अगर मन अपना घर की सोच रहा है फिर थोड़ी कथा सुन पाओगे। इसलिए काय और मन वाक्य से भगवान उनकी भक्तों की कथा सुनते रहो। अगर सुनोगे कहते जे प्राय प्राय करके जो अजीत है, अजीत मतलब जिनको पाना जिसको जितना बड़ा कठिन है, लेकिन ये भगवान भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका स्टार्ट नहीं लाएगा भूल के गाड़ी में ला रहे कौन ला रहे सुपर गाड़ी में अब उसको और इसको कर उसको नींद आ रही है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी एक अच्छी बात बताए। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो तत्व अनुकंपा सुसुमित समान भुज्जान एवात्म कृतम निपात। इसका मतलब है अपना तत्व में प्रतिष्ठित होकर के अपना जीवन में जो कुछ आता है उसको किसको पर मैं कभी दोष मत लगाओ। भैया अमुक की वजह से ऐसे हो गया, उसने हमारे लिए ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। ब्रह्मा जी कहते कोई किसी के लिए कुछ नहीं करते, हमने जैसे जैसे कर्म किया है वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। इसलिए कभी किसको पर दोष मत लगाओ, जीवन में जो कुछ आता है उसको भोग कर लो। और क्या करो एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना इनको बैठा के दिखाया भागवत चुप चुप करके बैठ रहे तो तुमको घर में भेज देंगे हरे कृष्ण। इसलिए देखो एक छोटी सी कथा सुना मतलब हम लोगों ने जीवन में जो कुछ करते हैं वो कर्म का फल ही जीव कैसे भोग करता है। एक समय एक राजस्थान के व्यक्ति और एक बंगाल में एक जगह खड़ग हुए एक समय दोनों व्यक्ति बिजनेस के लिए निकले दोनों ही धनी मानी थे सोचा अगर दोनों का पैसा एकत्रित मिला करके कोई बिजनेस करेंगे हमारी काम बहुत बढ़िया चलेगा। इतने में जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने जो खड़गपुर का जो व्यक्ति था उसको उसने सारे पैसा दे दिया। ये पैसा ऐसे की चीज है वो बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी खराब कर देता है। उसने देखा भैया पैसा तो किसी ने देखा नहीं उसने मेरे को दिया ये पैसा को बीच में मैं हड़प लेता हूँ। उसने क्या किया वो व्यक्ति को जो राजस्थान का व्यक्ति था एक पकौड़े वाला के साथ में बात किया बोले देख एक काम अगर तुम करोगे ना तुमको 1,00,000 रुपया मिलेगा। बोले बताओ। बोले हम दो व्यक्ति पकौड़ा खाने के लिए आए मेरे को तो अच्छा पकौड़ा खिलाना लेकिन मेरे साथ में जो दोस्त है ना उसको जहर मिला करके पकौड़ा खिला दे रहा। वो तो बोले भैया 1,00,000 रुपया तो बहुत बड़ा थी उस समय में। वो राजी हो गया उसने क्या कि उसने उसको खिला दिया जहर मिला करके और उसको खिला दिया बढ़िया पकौड़ा। उसको पता अभी तो जहर खाया अभी तो उल्टी होगी अभी रिएक्शन होगा। उसको गाड़ी में बैठा करके ले गया अपना घर में उसको घर में ले गया अभी उल्टी दस्त। उसको बाद में उसने प्राण त्याग कर दी और किसी तरह उसका शरीर को उसने गायब कर दिया। जब गायब कर दी अभी उसको बहुत पैसा मिल गया उसने बड़ा सुंदर मकान बनाया। लोगों ने सोचा शायद कोई बिजनेस करने के लिए गया था ज्यादा कोई लाभ हो गया तभी उन्होंने इतने सुंदर उन्होंने मकान बनाया। जब उसकी शादी हुई शादी को बाद में ही कहते उसको जो व्यक्ति ने ऐसे की उसको घर में एक बेटा जन्म लिया। जब बेटा धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ जिस दिन वो बेटा की शादी हुई तब से वो बेटा इतने बीमारी में पड़ा पूरा शय्याशायी हो गया और शय्या से उठ नहीं पा रहा। और जितने पैसा उसको घर में था उसने सारे पैसा को उसने उसके बीमारी में सारे पैसा लग गए। जब सारे पैसा बीमारी की बच्चे को इस बच्चे को बैठा कर ठीक करें इधर इधर दोनों दोनों को इधर सामने आओ उसको सामने बैठा इधर आओ मुंह में हाथ लगाकर बैठो खड़ा नहीं होना ठीक। इसलिए अभी उसको बीमारी में सारे पैसा उसको बीमारी में लग गए अभी मरने वाला है। अभी जो बेटी बखिया के सारे परिवार आ गए चारों तरफ में घिरे हुए मरने वाला ठीक मरने से पहले अभी तक शय्या से उठ नहीं पा रहा था ठीक मरने से पहले एकदम अच्छा आदमी जैसे बैठ गया और बैठ करके सारे बात को बताने लग गया। बोले देखो मैं अभी मैं मरने वाला हूँ मेरे बात को सुन लो। उनने दिखाई ये जो व्यक्ति है हम दोनों बिजनेस करने के लिए निकले थे मैंने इसको सारे पैसा उसको मैंने दिया है और इसने मेरे को जहर खिला करके मार डाला अब मैं ही इसका प्रतिशोध लेने के लिए उसका बेटा बन करके आया है और जितने पैसा उसने मेरे से लिया था चक्रवर्ती ब्याज होता है ना उसको साथ में मेरी बीमारी में सारे पैसा उसको चली गई लेकिन थोड़ी सी पैसा मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी अंतिम क्रिया उसको करना पड़ेगा। ये सारे बात को एक करके बोलने लग गया तो पूछा ये बात सही है। बोले सही बात है वो व्यक्ति मान लिया लेकिन वहां पर लोगों ने प्रश्न की बोले ये बताओ फिर तुम तो मर रहे हो लेकिन तुम्हारी पत्नी जो विधवा हो रही है पत्नी को ये विधवा क्यों बनना पड़ा। बोले वो वही है जिसने पकौड़े में जहर मिला करके मेरे को खिलाया था वही इसकी मेरी पत्नी बन करके वही आई अभी सारा जीवन उसको वैधव जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जीवन में जो कुछ आता है ना अपना कर्म का फल मान करके हमने जैसे जैसे कर्म की वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं इसको मान करके हंसते हंसते दुख को भोग लो। भोग करके क्या करो अपना कभी भजन को कभी मत छोड़ा करो भक्ति कभी मत छोड़ा करो भक्ति कभी
छोड़नी नहीं चाहिए। देखो कुछ कुछ लोगों को मन में भक्ति करते हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई विपत्ति आ जाए ना, भले ही कोई चीज को छोड़े नहीं छोड़े माला छोड़ देते, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे, बोले माला ही करके लगे, बोले हमने भगवान की इतना भजन की और ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया। हाँ देखो एक दो कथा सुना था जिसको सुन करके आपका मन में थोड़ा अच्छी भावना आएगी। बोले एक समय दो भाई थे, एक भाई तो खूब भक्ति करता और एक भाई एकदम नास्तिक था। जो नास्तिक था जो भजन करता था उसको खिली उड़ाया करता था, बोले क्या दिन भर माला लेकर के बैठ कर हरे कृष्ण करते हो, ये पत्थर को सामने दिन भर बैठा रहते हो, कोई काम धाम नहीं, बेकार से भजन भजन। एक दिन किया हुआ दोनों भाई कहीं निमंत्रण पर जा रहे थे, जाते जाते जो भैया भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गई। उसने कहा देख लिया मैं भगवान की भजन नहीं करता, मेरे को सोने की मोहर मिल गई। उसने देखा भैया बात सही है, और थोड़ी दूर गया जो भजन करता था उसको पैर में लोहे के का सीख कट गई और खून बहने लग गया, उसको ज्यादा मौका मिल गया। मैंने देख लिया तू इतने हरी 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 करते हो तेरे को क्या मिला, और मैं भजन नहीं करता मेरे को क्या मिला, तू देख ले। देख लिया अभी तो वो दुखी दुखी हो गया, देखा बात सही है। इतने में बोले ठाकुर जी मैं दिन भर तेरा भजन भक्ति करता हूँ, तू मेरे साथ में ऐसे ही व्यवहार करते हो। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा दुखी मत हो, सुना तुम्हारी दोनों जीवन का कथा सुनो, आज जिसको सोने की मोहर मिली है ये पहले जन्म में इतने दान इतने पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में उसको राज मुकुट मिलने वाला था, राजा बनने वाला था, लेकिन वो मेरे मेरे भक्तों को जिंदा करता है, इसलिए मैंने उसको सब कुछ हड़प लिया और एक सोने की मोहर देकर उसको मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन को सुनो, तुमने पहले जन्म में एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे गले में फांसी झूलने का था, लेकिन चूंकि तुम मेरे भजन करते हो इसलिए मैंने सारे दुख तुमने हर लिया, हर करके प्यार में केवल एक सीख गड़वा करके तुमको छोड़ दिया है। तुम ये मत समझो भजन करने पर दुख मिलता है और भजन नहीं करने पर उसको सुख मिलता है, खबरदार कभी ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, फिर से उसको चैन मिले। हाँ देखो और एक दो उदाहरण का आप लोग समझो, कभी कभी हम भक्ति करते हैं अगर दुख है ना दुखी हो जाते हैं, हम किसकी बुराई किया नहीं, सभी का हमने भलाई की, देखो हमारे साथ में ऐसे हुआ है। हाँ आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना अच्छे तरह से सुनकर उत्तर देना, मैं देखूंगा कौन उत्तर दे पाता है। आप देखना गांव में गेहूं की खेती करते हैं, वो गेहूं को एक ड्रम बनाते हैं और वो गेहूं को वो ड्रम को अंदर में डाल देते हैं, उसको नीचे एक होल होता है जितना जरूरत नीचे से निकाल देते हैं। जैसे इस बार गेहूं की खेती की लेकिन गेहूं का दाना हुआ छोटा, बढ़िया नहीं हुआ होगा छोटा, उसको भी डाल दिया, लेकिन नेक्स्ट साल में जब गेहूं की खेती की बढ़िया गेहूं हुई बड़े बड़े दाना हुए उसको भी ड्रम को ऊपर से डाल दो। आप बताओ जब नीचे से गेहूं निकालोगे पहला कौन सा गेहूं निकलेगा, बोलो कौन बोलेगा, बोलो छोटा निकलेगा ना बड़ा निकलेगा, क्यों आप तो बड़ा डाला है ना छोटा क्यों निकलेगा। ये चीज को समझो, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं भजन कर रहे हैं प्रभु का नाम करते हैं किसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुख कष्ट मिल जाती है, हम कहते भैया हमने किसी को बुराई की नहीं तब मेरे साथ में ऐसे क्यों बर्ताव होता है, बोले भैया तुम जो अच्छा कर्म कर रहे हो ना इसका फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि पहले तुमने जो गेहूं डाला है ना वो छोटा डाला है, लेकिन बाद में जो गेहूं डाला तुमने बड़ा गेहूं डाला है, पहले जब छोटा गेहूं खत्म हो जाएगा फिर बड़ा गेहूं भी आएगा, इसलिए चिंता मत करो तुम जो अच्छा काम कर रहे हो इसका फल भी तुम्हें मिलेगी, इसलिए चिंता मत करो। आप समझ गए कि नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है उसको भोग कर लो, हंसते हंसते भोग कर लो। और एक बात, एक व्यक्ति ने दो व्यक्ति को मर्डर कर दिया, लेकिन हमारे भारत के संविधान में बताए अगर एक व्यक्ति को अगर आपने मर्डर करता है उसका फल क्या, आजीवन कारावास है।
लेकिन उसने दो व्यक्ति को मर्डर कर दिया, लेकिन इसी जीवन में तो आजीवन कारावास उसको मिल गया। लेकिन एक बाकी है ना, आप देखना कभी कभी ऐसे होता है, आप कुछ किया ही नहीं, किसको मर्डर ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने कोई गलत काम बुरा कर्म किया, लेकिन आप उसको साथ में थे, आप उसको साथ में रह रहे थे, देखना आप भी जेल चले जाते। वो कभी कभी वो शंका में पड़ जाता है, भैया हमने मारा ही नहीं, फिर हम जेल क्यों गया? कारण क्या? बोले कारण है तुमने पहले जन्म से एक को भोग चुका था, लेकिन और एक तुम्हारी बाकी थी, इसलिए कुछ नहीं करने पर भी जेल अपने आप चले जाता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं अपना जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसते हंसते भोग लो, इसको पर दोष मत लगाओ, लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़ो। बोले क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। पिताजी की संपत्ति कब आपको मिलेगा? जब जिंदा रहोगे तभी तो मिलेगा, अगर मरी गए तब पिताजी की संपत्ति तेरे को मिलेगा कहां से? इसलिए हमारे पिता कौन है? अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब भगवान की संतान है, वो आनंद में हमारे अधिकार है पिताजी की संपत्ति में। लेकिन ये संपत्ति तभी मिलेगी जब प्रभु की कंटिन्यू प्रभु की भजन करोगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जीवन में जो कुछ आए हंसते हंसते उसको भोग लो, और क्या करो? प्रभु की भजन करते रहो। अगर सही सही प्रभु की भक्ति किया, लेकिन पहले आपने बहुत बुरे कर्म किया, जैसे श्री वाल्मीकि पहले ये दशरथ का करता था, कितने लोग उसने मर्डर किया है। लेकिन जब इसे नारद से मिले, जब नारद जी बोले भैया बोलो राम, बोलो बोलो राम, लेकिन उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला, इतना पापी था उसको मुंह में। बोलता भैया तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। देखो उसने उल्टा नाम जपते जगह जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उसने मराम मराम करते करते दशरथ ना कर से उसने वाल्मीकि बन गया। इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे आप खेती में जैसे गेहूं है, आप गेहूं का जब लगाते हो देखे हो ऐसे ऐसे फेंक देते हैं गेहूं को जमीन में, लेकिन वो गेहूं उल्टा पड़े नहीं तो सीधा पड़े, लेकिन पेड़ जब निकलता है कैसे निकलता है? वो पेड़ पूरा सीधा निकलेगा। उसी तरह जब हम ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, कैसे भी प्रभु का नाम तू नहीं जप करे, जब उसका फल निकलेगा ना सीधा निकलेगा, उसका फल तुम्हें सीधा मिलेगा। इसलिए कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान राम भी कहते हैं भैया मैं भी अपना नाम की महिमा मैं भी नहीं जानता हूँ, इतने प्रभु नाम की महिमा है। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे थे, लेकिन देखा भगवान संतुष्ट ही नहीं हो रहे। बोले भैया प्रभु को इतने बढ़िया बढ़िया बात से स्तुति करता हूँ, प्रभु संतुष्ट नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तक तो प्रभु को स्तुति करते हुए देखा, एक बार उनका भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम नंद जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे भैया ये ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताएं, जो पूर्ण ब्रह्म और सनातन है वो कैसे सखाओं का सखा बन गया, मैया यशोदा का लाला बन गया, गोपियों के प्रियतम बन गई, इनकी ब्रजवासियों का महिमा तो मैं बता ही नहीं सकता। जब इतने बोले ना, इतने में कृष्ण जी थोड़ी सी उन्होंने मुस्करा लिया है कृष्णा, फिर तो समझ गए भगवान की कमजोर कहां पर है। मतलब है भगवान शिक्षा देते हैं, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो पहले मेरे भक्तों को खुश करो, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी भगवान को तीन बार परिक्रमा करते हुए, ब्रह्मा बोले प्रभु अगर कोई कहता है अरे हम भगवान को जानता हूँ, वही जो गैया चराता था मखन चोर है ना, ब्रह्मा जी कहते भैया ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन ठाकुर की महिमा को नहीं कोई पार सकते हैं।
पर ब्रह्मा जी फिर चले गए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। देखो ये ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं इंद्र को बोले इंद्र ये कृष्ण ऐसे एक अवतार है सबको उनके चरण में नाक रगड़ना पड़ा भैया मैं भी फंस गया था बुरी तरह से देखो उसका नाम गोपाल है वो गैया को पालना करते हैं प्रभु इसलिए चलो सुरभि गाभी के अनुगत्य में जाएंगे ये गैया माँ है अगर इनकी अनुगत्य में जाएगा ना हो सकता कृष्ण खुश हो जाएगा फिर उन्होंने सुरभि गाभी को सामने रख कर गए ठाकुर जी गैया माँ है ना इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न हो गए इंद्र को थोड़ा उन्होंने सांसा ने क्या बोले देख तेरे मन में अभिमान हो गया था तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला की खबरदार कभी अभिमान नहीं करना फिर इंद्र ने भगवान को सुरभि गाभी की दूध से अभिषेक की और ठाकुर जी एक नया नाम रखा है श्री गोविंद नाम रखा बोले श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे बोले भगवान अभी तरात्री सरत उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरात मनश्चक्री योग मायां उपासिता कहते ब्रज की एकदम छोटी छोटी गोपियां हैं बोले कितने छोटी छोटी गोपियां हैं बोले 3 साल की 4 साल की और 5 साल की इतने छोटी छोटी गोपियां हैं इन लोगों ने 1 महीना माघ की महीना में एक बार अभिषेक में खाती थी और सबके सब जा करके कात्यायनी की पूजा करते थे किसी मंत्र से बोले हे कात्यायनी हे महामाये हे महायोगिनी अगर आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो नंद के लाला जो कृष्ण की हमारी पति बन जाए अभी कृष्ण उनको आशीर्वाद दिया बोले शरद पूर्णिमा में मैं तुम सबको साथ में रास रचाऊंगा इसलिए कृष्ण अभी रास रचाना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास लीला को वर्णना करने जा रहे हैं उनने सब जीव को सावधान कर रहे हैं बोले देखो सावधान इसलिए कोई कोई कहते हैं ना अरे कृष्ण क्या दूसरे दूसरे गोपियों को लेकर रास कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते हैं बोले भैया गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी ये कोई स्त्री नहीं थी हम परसों सुन रहे थे वो वेद का जितने मंत्र हैं वो उन लोग ने कठोर तपस्या की कठोर तपस्या करके गोपी रूप में जन्म ली जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में गए ये सब के सब ऋषि लोग थे गोपाल मंत्र में आराधना कर रहे थे अभी राम को देख करके उनकी श्याम की याद आई राम को पति रूप में प्रार्थना कर रहे थे बोले नहीं ये रामावतार में केवल एक पत्नी के सिवाय और किसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं तुम सब के सब द्वापर युग में गोपी बन कर जाओ वो जितने ऋषि मुनि लोग थे कठोर तपस्या की वो सब के सब द्वापर युग में ये गोपी बन कर आए ये कोई लड़की नहीं तो शंकर जी क्यों घर गोपी बन कर आ रहे अभी शंकर भी तो गोपी बन कर आएंगे ना पर शंकर जी क्यों गोपी बने इसलिए जो गोपी अर्थ होता है गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना बोले जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पीती है करती है गोपियां हैं और रासलीला कौन सुना रहे हैं बताओ सुखदेव गोस्वामी हम पहले सुन रहे थे ना ये सुखदेव गोस्वामी कौन है जो 16 साल तक मातृ गर्भ में रहे और वो जन्म लेते ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए जन्म लेते ही ब्रह्मज्ञानी बन करके ये चले गए और कथा हो रही कहां बोले गंगा किनारा में कथा हो रही है और वहां पर बैठे हैं कौन बोले गिरे गिरे कोई व्यक्ति नहीं बैठे हुए थे 88,000 ऋषि मुनि नारद व्यास पराशर बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी वहां पर बैठे हुए थे बोले श्रोता कौन है बोले साधारण श्रोता नहीं श्री परीक्षित महाराज श्रोता नहीं 7 दिन में जो मरने वाले हैं इसलिए वहां पर कोई काम क्रीड़ा नहीं वहां पर दिव्य प्रेम की लीला है इसलिए हमारे एक संत हुए जिनका नाम श्रीधर स्वामी
उन्होंने बताया देखो ये जो रासलीला है ना ये प्रभु का काम विजय लीला है। उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह सुनो। एक समय कामदेव को मन में अभिमान हो गया, बल्कि किस चीज की, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैंने छका छुड़ा दिया, शंकर जी योगी योगी महायोगी कहलाते हैं उनको भी मैंने छका छुड़ा दिया। कैसे, बल्कि जब समुद्र मंथन में भगवान जो मोहिनी अवतार लिए थे सब थे, लेकिन श्री भोले बाबा थे। इनको बाद में पता चला ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण किया और इतने सुंदरी बन करके आए थे, पृथ्वी में कभी इतने सुंदरी लड़की नहीं दिखती। एक दिन शंकर जी प्रभु को पास में गए, बोले प्रभु जी थोड़ी सी आपकी मोहिनी रूप दिखा दोगे? भगवान सावधान किया, बोले भोले बाबा तुम ये मोहिनी रूप को देख करके अपने आप को ठीक नहीं रख सकते। बोले क्या कह रहे हो? मैं स्वयं जोगी जोगी महाजोगी हूँ, हमें स्वयं सत्यम शिवम, मैं सुंदरम जोगी जोगी मैं महायोगी हूँ, आपको मोहिनी रूप को देखकर मैं संभाल नहीं सकती हूँ, आप चिंता मत करो, एक बार केवल हमें मोहिनी रूप को हमें दिखा दो एक बार। उन्होंने एक दिन शंकर जी अकेला बैठे हुए थे पार्वती को गोद में लेकर के और त्रिशूल गाड़ करके बैठे थे, इतने में मोहिनी एकदम जंगल से सुंदर एक कुंज से प्रकट हुई। क्या सुंदर था मोहिनी, जैसे मानो दिन में कोई चंद्रमा प्रकट हो गया और एक गेंद को उछालते हुए मोहिनी रूप प्रकट हुई और शंकर जी को गोद में पार्वती बैठी हुई। ये जो पार्वती है ना ये बहुत सुंदर दिखने में पार्वती और त्रिशूल गाड़ करके शंकर जी बैठे हुए, जहां त्रिशूल गाड़ दे शंकर जी वहां से कहीं हटते नहीं। इतने में जो मोहिनी रूप थी केवल शंकर जी को मैंने ऐसे एक बार बुलाया, लेकिन गोद में जो पार्वती बैठती ना उन्होंने भूल गए, उन्होंने पार्वती को धक्का मार कर फेंक दी और उन्होंने ये मोहिनी को पीछे भगे, मानो पकड़ लिए तो फिर देखते हैं दूर में शंकर जी की वस्त्र कहां पर गिरा, त्रिशूल कहां पर गिरा, डम्बरू कहां पर गिरा, शंकर जी को बताई दी। शंकर जी थोड़ी देर बाद में देखते हैं नंगे पर घूम रहे। शंकर जी बोले हे भगवान मैंने नंगे होकर घूम रहा हूं। इतने में शंकर जी सोचे शायद इसको किसने देखा नहीं, शंकर जी चुपचाप आगे बैठ गए। इतने में मोहिनी रूप भगवान प्रकट हुए, बोले क्यों भोले बाबा क्या बात है? मैंने कह रहा था ना मेरे मोहिनी रूप को देख करके धीरज धारण नहीं कर सकते हो। शंकर जी का सर नीचा हो गया, बोले प्रभु मैं तो सोच रहा था मैं माया को जीत लिया, प्रभु मैं माया को जीत नहीं पाए, इसलिए शंकर जी को भी छक्का छुड़ा दिया। बोले ब्रह्मा जी ये पिता मांगे। एक समय ब्रह्मा जी उन्होंने एक सुंदर लड़की अपना सरस्वती को सृष्टि की, अपना बेटी ही इतने सुंदर थी ब्रह्मा अपना बेटी को देख करके संभाल नहीं पाए, उसको पीछे भगे थे, उनको बेटी हिरण बन गई, ये भी हिरण बन कर भागे थे। बोले भैया ब्रह्मा जी को भी मैंने देख लिया। बोले श्री विश्वामित्र आप जानते हो विश्वामित्र कितने बड़े ऋषि है, वो तपस्या कर रहे थे पर्वत के ऊपर में, वहां पर इंद्र जी उन्होंने मेनका को भेज दी। बोले मेनका के चरण की नुपुर की झंकार से विश्वामित्र का सारे भजन चकना चुर हो गई और जाकर के जंगल छोड़कर गृहस्थ बन गए। बोले नारद जी को भी मैंने देखा, नारद जी जब तपस्या किए इंद्र का डर गया, ब्रह्मा और उर्वश मेनका को भेज दी, वो आकर नाच कीर्तन करने लग गए। नारद जी जब नेत्र खुले ना सबके से भाग गए वहां से। बोले हो ना हो शंकर जैसे काम देव को जला दिया था मेरे को जला नहीं दिया। जब सबके से भाग गए नारद जी मन में तो बड़ा अहंकार आ गया। बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी जो काम को जय नहीं कर सके, मेरे बड़े भैया शंकर जो काम को जय नहीं कर सके, मैं तो काम को मैंने विजय प्राप्त कर लिया, बड़े अभिमान हो गया। नारद जी ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पिताजी आप जो काम नहीं कर पाए वो काम मैंने कर दिया। बोले राम 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 बेटा अभिमान नहीं करना, तुम माया की पराक्रम नहीं जानते हो। नारद जी ने सोचा मैंने इतना बड़ा काम किया और पिताजी मेरे को थोड़ा बहावा नहीं दिए। शंकर जी को पास ले गए, बोले बड़े भैया आप जो नहीं कर पाए ना मैं वो काम कर लिया। बोले क्या? बोले माया जीत लिया। बोले राम 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 कभी बोलना नहीं, मैं भी सोच रहा था माया को जीत लिया, मैं तो भगवान की मोहिनी को पीछे भग गया था। इतने में देखा भैया कोई मेरे को बहावा नहीं दे रहे, इतना बड़ा काम किया। बोले विष्णु को पास में गए,
बोले प्रभु मैंने माया को जीत लिया, जो काम कोई नहीं कर पाया। ठाकुर जी ने देखा इसका फोड़ा हो गया है, अब इसको ऑपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि जो भक्ति जगत में जो अभिमान है ना, ये बहुत गंदा चीज है, कभी भी अभिमान नहीं करनी चाहिए। भगवान पीठ पर हाथ थपथपा, बोले भैया मैं एक माया जीत, तू मेरे बच्चे हो, तुम तो माया को जीतोगे ना। वो छाती को इतना बड़ा हो गया। बोले ठाकुर ही सचमुच से प्रेम करना जानते हैं। इतने में नारद जी बड़े खुश होकर के वैकुंठ से उतर गए थे। इतने में भगवान ने क्या किया, बीच में एक स्वयंवर संरचना कर दी, जहां पर स्वयं माँ लक्ष्मी ही एक बरमला लेकर के, वहां पर बड़े बड़े देवता बैठे हुए थे। अभी वो बरमला लेकर के अपना पति को चुन रही थी। इतने में वो जो बेटी का एक पिता बन करके नारद जी को स्वागत किया, अपने बाबा बाबा थोड़ी सी आ जाओ, मेरी बेटी की स्वयं पर सभा रचा रहा है। बोले थोड़ी मेरी बेटी का हाथ देख लो तो कैसे। वो इतने सुंदर उनकी हाथ थी, इतने सुंदर उनकी जो सौभाग्य रेखा था। नारद जी बोले ये बेटी जिस घर में शादी हुई ना, उसको पति कभी मरने वाला नहीं, और इसकी हाथ में जो रेखा, ये कहता है ये जिस घर में जाएगी धन धान्य में भरा भर रहेगा। माँ लक्ष्मी घर में टिकी रहेगी, पति का जस पृथ्वी में जाएगी। क्यों? वो साक्षात लक्ष्मी थी, वो माँ लक्ष्मी थी। अभी नारद जी उनके हाथ ही इतने सुंदर थी। नारद जी सोच रहे भैया ये लड़की को मैं ही क्यों शादी नहीं करते। अभी सब प्रभु जी से बोल करके आया ना, मैं माया को जीत लिया, लेकिन यहीं पर लक्ष्मी को देख रहे मोहित मोहित हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण वो भी दो दो, सीता राम ये भी दो है, इंद्र इंद्राणी सब जोड़े जोड़े, और पार्वती शंकर सब जुड़ में। फिर मैं अकेला क्यों हो, मैं भी शादी कर लेता हूँ, लेकिन ये लड़की तो बड़ी प्यारी लड़की है, पर इससे क्यों मैं शादी नहीं कर दूं। अभी नारद जी सोच रहे हैं ये तपस्या करते करते मेरे शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया, लेकिन ये तो जो सबसे सुंदर होगा उसकी गल में माला डालेगी, लेकिन जगत में सबसे जो सुंदर है वो नारायण है। बोले अभी अभी मैं नारायण को पास से आ रहा हूँ, नारायण मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न है, थोड़ी समय के लिए अगर मैं नारायण का रूप लेकर के आ जाऊ ना, ये मोहिनी मेरे गले में ही माला डाल देगी, वो मरते जगत में क्या उतरेगा, सीधा बैकुंठ गया। बोले प्रभु आपसे मैंने किसी चीज का कभी इच्छा नहीं की, लेकिन एक चीज मेरे को थोड़ी समय के लिए दे दो। बोले कौन सा रूप? बोले आपका ये हरि रूप। हरि का एक अर्थ होता है, हरि मतलब भगवान, हरि का एक अर्थ होता है बंदर। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरे जैसे मंगल हो मैं अपना हरि रूप दे देता हूँ। मतलब उसका जो मुंह है ना काला बंदर का रूप भगवान दे दिया। वो तो सीधा उतर करके आया, सोचा मैं तो बड़ा सुंदर हूँ। वो लड़की माला लेकर घूम रही थी। इतने में नारद जी, वो लड़की जिधर जाए ना नारद जी उधर चले जाते हैं और अपना सर को आगे बढ़ाते हैं। बोले मेरे गला में माला डाल दे, देख मैं कितने सुंदर हूँ। लेकिन वो लड़की नाग स्वीकृति हुई दूसरे तरफ में चली जाती है। नारद जी सोचते हैं शायद मैं जो इतने सुंदर सुंदर हूँ इसकी नजर मेरे तरफ में पड़ नहीं रहा है। फिर नारद जी घूम कर वो लड़की जिधर उधर फेराते हैं, फिर अपना गला को बढ़ाते हैं, फिर वो लड़की नाग स्वीकृत हुई दूसरे तरफ पर, पूरा उनको घुमा दिया वहां पर। इतने में वैकुंठ से भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके जब आए, वो तो लड़की साक्षात लक्ष्मी थी, उसने नारायण की गला में माला डाले और नारायण उनको गरुड़ के ऊपर बैठा और ले जा रहे। इतने में देवता लोग ने कहा नारद जी देखो तो सही, तुम देखने में कैसे। एक शीशा पकड़वा दिया तो देखा उसका मुंह काला बंदर जैसे। इतने में नारद जी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये हरि सब पे ऐसे नाच मचाता है और मेरे को बोल दिया, मैं अपना हरि रूप दे दिया और बंदर मूर्ति दे दिया। उन्होंने अभिशाप दिया, बोले देखो भगवान मैं आज तुमको अभिशाप देता हूँ, जिस लड़की को पीछे मेरे को तुमने दर दर भटकाया, एक दिन इसी लड़की को पीछे तेरे को भी दर दर भटकना पड़ेगा, और जब घोर दर दर भटकना पड़ेगा। उन्होंने अभिशाप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं ये लड़की को पीछे दर दर भटकूंगा ना, तेरे जैसे काला बंदर वाले मुंह वाले हमें मदद करेंगे। मतलब है रामलीला में वही लक्ष्मी सीता बन करके आएगी, जब रावण ये सीता को उठा करके ले जाएगा,
भगवान राम भी ये सीता के लिए जंगल जंगल में रोएंगे। इसलिए यहाँ पर श्री कामदेव सोच रहे हैं, भैया मैंने सबको नाक पर नथ पहना करके सबको मैंने नचा दी, लेकिन एक व्यक्ति अभी बाकी रह गए, बोले कौन? बोले भगवान कृष्ण। अगर कृष्ण को मैं परास्त कर दू ना, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे हाथ की मुट्ठी में आ जाएगा। एक दिन उन्होंने गए भगवान के पास में, कृष्ण को चुनौती मांगे, बोले प्रभु आ जाओ मेरे साथ में, दो हाथ कर लो, क्योंकि सबको मैंने परास्त कर दिया, केवल आप ही बाकी रह गए। भगवान ने कहा नारद जी चिंता मत करो, मैं जब द्वापर का अंत में मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा ना, जब सत करोड़ गोपियों के साथ में मैं जब रास रचाऊंगा, तभी तुम्हारे साथ में मैं युद्ध करूंगा। इसको सुन करके कामदेव तो हंसते हंसते चले गए। बोले क्यों हंसते हंसते चले गए? बोले ये कहता है युद्ध करेगा। बोले कब युद्ध करेगा? जब रास रचाएगा उसी समय में युद्ध करेगा। हाँ देखो, जानते हो ये गोपियां कितनी सुंदर, अब तो पता गोपियां कितना सुंदर। उदाहरण दिया, बोले ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता को एकत्रित कर लो, पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता एकत्रित करने पर स्वर्ग में आप नाम सुनेंगे, रंभा उर्वशी मेनका का नाम सुनेंगे ना, कहते पृथ्वी का सारे स्त्री का सुंदरता एकत्रित करने पर स्वर्ग में एक अप्सरी को साथ में बराबर होता है। बोले स्वर्ग के स्त्रियां इतने सुंदरियां हैं, बोले स्वर्ग में जितने स्त्रियां कहते उनको शरीर कभी ठंडा गर्म नहीं होता है, गर्मी में ठंडा ठंडा में गर्मी, वो कभी बुरा बुरी नहीं बनती है, स्वर्ग के देवता कभी बुरी नहीं बनती है, उनकी जवानी पूर्ण रूप में रहती है। कहते स्वर्ग में जितने सुंदरियां स्त्री हैं, कहते इनकी रूप को अगर एकत्रित कर लो, कहते एक लक्ष्मी को बराबर होती है वैकुंठ में जो लक्ष्मी, बोले जितने अनंत करोड़ लक्ष्मियां हैं, लेकिन इनकी सुंदरता को जब एकत्रित करोगे, कहते एक ब्रज में एक गोपी को साथ में बराबर है। सबसे ये गोपियां इतने सुंदरी ये गोपियां हैं, इसलिए कृष्ण गोपियों को सुमध्यमा कह करके संबोधन करते हैं। बोले भैया राधा रानी कितने सुंदरी हैं, बोले ये जितने गोपियां हैं, कहते इनकी सुंदरता को एकत्रित कर लो, कहते राधा जी की चरण की नख में जो छटा है जो प्रकाश है, ये सबका सुंदरता राधा जी की चरण की नख की छटा में इनकी सारी सुंदरता समा जाएगी, इसलिए राधा रानी इतनी श्री सुंदर श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभ राज नंदिनी की जय। इसलिए जब उन्होंने बताए मैं द्वापर युग में जब रास करूंगा उसी समय में तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा, कामदेव तो हंसते हंसते चले गए। अभी कृष्ण बंसी बटक नीचे उन्होंने बंसी बजाई, जब उन्होंने बंसी ध्वनि की उसी समय में बंसी से कौन सा शब्द निकली? बोले जगो कलो बांध दिशा मनोरा। उन्होंने बंसी में उन्होंने क्लिंग शब्द को उच्चारण किया, बोले उसी समय में बोले भगवान अपनी तारा की सरद उत्फुल्ल मल्लिका। एक समय में जोग माया ने प्रभु की लीला करण करने के लिए एक साथ में सारे फूल खिले हुए थे, बरसात की जो फूल खिलती हैं, गरीब में जो फूल खिलती हैं, बसंत ऋतु में जो फूल खिलती हैं, बोले सारे फूल एकत्रित होकर के सबके सब खिल गए। ये कमल फूल खिलता है दिन में सूर्य किरण में, लेकिन ये कमल फूल गई रात में खिल गए ये सारे फूल। और वहां पर तारा से मतलब जैसे छह ऋतु हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और वसंत, ये छह ऋतु हैं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए सारे ऋतु एकत्रित सबके सब हो गए, क्योंकि ठाकुर जी रास करने के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। इतने में भगवान ने चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा उदय हुए, ठाकुर तो चंद्रमा को देखे लेकिन याद किसकी आई? बोले श्री किशोरी जी राधा रानी की मुख चंद्र की उनके स्मरण आई और कृष्ण ने उन्हें क्लीन शब्द को उच्चारण किया। अब देखना जितने मंत्र है ना, हर मंत्र को पहले क्लीन है, उसमें पांच अक्षर है। देखो जैसे क
ला ई चंद्र और बिंदु कितना हो गया, ये पांच अक्षर हो गया है, इसको बीज मंत्र कहते हैं। कहती है कि एक अक्षर में समझो ये विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। ये विश्व ब्रह्मांड पांच चीज से बना हुआ है, मिट्टी वायु आकाश जल और अग्नि, ये पांच चीज से बनी हुई है। ये तीन अक्षर में सब कुछ है। का मतलब कृष्णा, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब इनके अंदर में जो मिलन है, चंद्र और बिंदु मतलब है इनके अंदर में जो दिव्य आनंद है। इसलिए कृष्णा ये तीन शब्द पूछा करने की उदाहरण दिया है। कभी जो चोर होता, जो सरदार होता है, वो कभी चोरी करने नहीं जाता है, वो एक जगह पर बैठा रहेगा। लेकिन किसको भेज देता, अपना चेले चापाटियों को भेजता है, बोले जाओ चोरी करके ले आओ, लेकिन सारे माल मेरे को देना है। माल किसको देना है, माल मुझे देना है, सबको भेज देना है। कृष्ण कौन है, ये सबसे बड़े चोर कृष्ण है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य ने एक अष्टक लिखा है, चोरा गर्गण्यम पुरुषम नमामि। कद जो चित्त को चोरी करता है, जो मन को चोरी करता है, जो हमारी हृदय को चोरी करता है, जो हमारे पाप को चोरी करता है, दुख कष्ट को चोरी करता है, सब चीज को चुराने वाले कौन है, ये भगवान कृष्ण है। ये चोरों का सरदार बैठा हुआ और अपना चेले को भेज दिए, बोले चेले कौन, बोले ये बंसी ध्वनी। उन्होंने तक क्लीन शब्द बोले, लेकिन राधा रानी सुन रही थी। ये बांसुरी से केवल राधे 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 नाम निकल रहा है। ललिता सुन रही थी, इसमें केवल ललिता ललिता शब्द आ रहा है। विशाखा सुन रही थी, इसमें केवल विशाखा विशाखा शब्द उच्चारण हो रहे। अभी उन्होंने चेले को भेज दिए, बोले भैया जाओ चोरी करके लाओ। लेकिन चेले जब चोरी करने के लिए गए, बाय चांस जो घर का जो कपाट है ना, दरवाजा सबके सब खुला पड़ा हुआ। बोले हाँ बढ़िया है, घर भी खुला पड़ा हुआ। बोले भैया वो कपाट कौन, बोले कहाँ है, बोले वो धन कहाँ पर है, बोले भक्तों का हृदय में, ये प्रेम धन है, ये भक्तों का हृदय में ये प्रेम धन है। बोले ब्रज में तो पांच, वहां पर पांच तरह के भक्त हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ भक्तों कौन है, बोले ब्रज की गोपियां ही ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अभी उनके कान भी दरवाजा में प्रवेश किया और इनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम, यही धन है। और अंदर में गए और ये प्रेम धन को चोरी करके चोर सब कुछ लूट फाट करके भगने भगने लगे। जब भगने लगे, जैसे आपका घर में कोई चोर आए, जिंदगी भर आप जो पैसा को इकट्ठे किए और उसको लेकर कोई चोर भागेगा, अब क्या करोगे बताओ आप क्या करेंगे, उसको पीछे पीछे भागोगे ना, भैया जिंदगी की सारे पैसा हमारे चोरी होगी, भागोगे ना। इसलिए उसी समय में कोई अपना पति की सेवा कर रही थी, कोई गोदहन कर रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, हैं? कोई हैं? कोई पति की सेवा कर रही थी। लेकिन कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनते ही उसी अवस्था में सब कुछ छोड़ करके सबके सब भागने लगे। जब सबके सब भागने लगे, इतने में कुछ गोपियां तो निकल करके आ गए, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं सकी। बोले क्यों नहीं निकल सकी, और निकली सकी तो कौन निकले, और निकली नहीं तो कौन नहीं निकले। बोले जिनकी भाव सिद्धि हो गई थी, जिनके भाव पूर्ण हो गया, तो वही निकल गए। लेकिन निकल नहीं पाए कौन, बोले जिनके शरीर को साथ में पत्तियों का संबंध था, क्योंकि जो शरीर है वो हो गया अपवित्र। अब ये शरीर कृष्ण सेवा के लायक नहीं, इसलिए जोग माया ने उनको घर से बाहर निकलने नहीं दी। बल पत्तियों ने कहा खबरदार, रात को बीच में कहां जा रहे हो, अगर घर से निकलोगे ना हम टांग तोड़ देंगे, घर से अगर निकलोगे तो बाहर निकल नहीं। लेकिन जब वो लोग नहीं निकल पाए, इतने में वो लोग कृष्ण विरह में अत्यधिक व्याकुल हो गए। बोले हे श्याम सुंदर, आपका ये दिव्य रास में आज हम सम्मिलित नहीं हो सके। हे श्याम सुंदर, हमारे ऊपर में कृपा करो। जब इनके हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई, होने पर उनके अंदर में जो थोड़ी बहुत कमी थी, वहीं पर वो दूर हो गया।
शरीर को तो उन्होंने रोक लिया लेकिन आत्मा को थोड़ी रोक सकते हैं। ये आत्मा शरीर से ये सब के सब श्री रास लीला में प्रवेश किए। जब प्रवेश किए तब कृष्ण उनको स्वागत करते हैं, बोले स्वागत में महाभागा। कृष्ण कहते हैं हे महाभाग्यवती मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। बोले कृष्ण स्वागत क्यों कर रहे हैं? बोले कारण है तुम लोग सारे बंधन को तोड़ करके ये रासलीला में आए, सारे बंधन को तोड़ करके, इसलिए तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। कृष्ण ने कहा देखो ये घोर अंधकार है, ये घोर भूमि अंधकार में तुम लोग कुलवती स्त्री हो, लेकिन स्त्रियों का कर्तव्य नहीं ये अंधकार रात में घर से अकेले निकल करके आना। ठीक है अगर आए हो ये वृंदावन के स्वभाव को दर्शन करो, स्वभाव को दर्शन करते हुए तुम लोग घर में वापस चले जाओ, क्योंकि तुम लोग पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। पति भले ही लगड़े लूखे जो कुछ क्यों नहीं हो, पति को परमात्मा मान करके सेवा करना ये पतिव्रता धर्म, इसलिए तुम लोग घर में जाओ, जा करके अपना पति की सेवा करो। देखो कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं, कृष्ण यहाँ दो बहुत सारी कृष्ण शिक्षा दिए हैं। एक शिक्षा दिए हैं कि तुम माताओं को कभी अकेले घर से नहीं निकलनी चाहिए, अंधकार में कभी नहीं निकलनी चाहिए, ये शिक्षा देते हैं कृष्ण है। इसलिए पुराण में एक श्लोक में बताया जो स्त्री है, स्त्रियों को जातियों को उदाहरण दिया, अगर बचपन में अपना पिता माता के अधीन में रहो, जब बड़े हो जाओ शादी करके अपना पति को अधीन में रहो, जब बड़े बूढ़ी हो जाओ फिर अपना बच्चे के अधीन में रहनी चाहिए। स्त्रियों को स्वतंत्रता रूप में हमारा शास्त्र को अधिकार नहीं दिए, हर समय उदाहरण दिया जैसे आटा, आटा को जो गोंद देते हो पानी दे करके, अगर घर को अंदर में तुम रखोगे ना चूहा खा जाएगा, अगर इसको छत के ऊपर रखोगे कौवा खा जाएगा, इसलिए ये स्त्री जाति ऐसे की जाति है, बोले हर समय इनको अधीन में रह करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो तुम लोग पतिव्रता नारी, तुम्हारी धर्म पति की सेवा करना तुम्हारी धर्म है। तब कृष्ण ने कहा देखो एक सुंदर स्टोरी सुनो, अगर जीवन में जो पतिव्रता धर्म को जाचन करता है कितने शक्ति पतिव्रता धर्म में। गोपियों ने कहा सुनाओ क्या सुनाओ। पर एक समय दो पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, घर में एक बच्चा है, जो बच्चा केवल अपना घुटने पर चलना सीखा है। थोड़ी देर पहले पत्नी ने रसोई बनाई, अभी चूल्हे में आग धधक रही है और बच्चा सो रहा था, इतने में पति भी पत्नी के जंघे के ऊपर सर रखकर के सो गया और बीच में बेटा का लाला की नींद खुल गई। वो बच्चा अपना घुटन पर चलते चलते जो चूल्हे में आग जल रही थी उसको पास में चला गया, अभी वो चूल्हे में गिरने वाला। जो पत्नी थी वो बड़ी दुविधा में पड़ गई, बोले मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये बच्चे को नहीं बचाती हूँ ये बच्चा अभी चूल्हे में गिर करके मरने लगा, लेकिन अगर ये बच्चे को मैं बचाने जाती हूँ, पति मेरे सर मेरे जंघे को पर सर रख करके सो रहे, फिर इनकी नींद खराब होगी। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, पतिव्रता नारी का धर्म है अपना पति की सेवा करना ही इसकी धर्म है। वो तो बड़ी दुविधा में पड़ गई, अभी वह सोच रही है भले ये बच्चा चूल्हे में गिर करके मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं पतिव्रता नारी हूँ, लेकिन मेरी पति की नींद खराब नहीं करो। सचमुच से देखते देखते वो बच्चा तो चूल्हे में गिरा, उसकी हृदय में तो खिलबिली मच गई। थोड़ी देरी बाद में पति का नेत्र आंख खुली, बोले लाला कहाँ, बोले लाला चूल्हे में गिरी पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंगल को मेरे सर करके सो रहे थे, आपका नींद खराब हो जाती, बोले चलो चलो देखते हैं बच्चा को। जा करके देखा वो चलते हुए चूल्हे के अंदर में वो बच्चा किलकार मारते हुए खेल रहा, बोले क्यों, इसकी पतिव्रता धर्म गोबर में वो अग्नि भी अपना अग्नि का तेज को शांत करती। आप लोगों ने सुने होंगे अनसुया का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं अनसुया। इसकी पति को एक ऋषि ने अभिशाप दिए,
कल सवेरे तेरे पति मरने वाले, उसने प्रतिज्ञा की अगर सचमुच समय पति प्रता नारी हूं कल सूर्य उदय नहीं होगी, 7 दिन तक ये सूरज उदय नहीं दे। उसकी पतिव्रता धर्म की इतने कठोरता थी, पतिव्रता धर्म, इसलिए कृष्ण ने कहा देखो तुम लोग पतिव्रता धर्म हो, देखो भगवान मर्यादा को भी प्रभु सिखा देते हैं, अपना मर्यादा को भी प्रभु सिखा देते हैं। पतिव्रता स्त्री हो, पति की सेवा करना है तुम्हारी परम धर्म, जाओ वापस जाओ पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा हम भी आपको एक स्टोरी सुनाएं। बोले सुनाओ क्या सुनाओ। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, अभी किसी कारण से पति को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। पति ने कहा देखो मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी कहती अगर तुम बाहर जाओ तो मैं अकेले क्या करूंगी, ये श्रृंगार क्यों करती हूँ तुम्हारे लिए, तो श्रृंगार करती हूँ ये रसोई क्यों बनाती हूँ तुम्हारे लिए बनाती हूँ, ये घर साफ क्यों करती हूँ तुम्हारे लिए, ये बिस्तर क्यों सजाती हूँ तुम्हारे लिए, सब तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके लिए करूंगी। बोले देखो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, कुछ विशेष काम है। बोले मैं अपना फटो तेरे को दे जाता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊ तब तक ये फटो की इतनी पूजा करते रहना। बोले ठीक है, अभी ये फटो को हाँ सुलाती है, फटो की सब कुछ सेवा करती है। जब ये सेवा कर रही थी इतने में कुछ दिन बाद में पति ने वापस आया, वापस आया तो उसने दरवाजा खटखटाया। जब खटखटाया गोपियों ने कृष्ण से पूछे बोले बताओ ये स्त्री अभी क्या करेगी। बोले भैया जब पति आ गए फिर ये फटो की पूजा करने का क्या जरूरत है। गोपियों ने कहा तुम्हें आंसर मिल गया। बोले क्या आंसर है। बोले भगवत गीता में तुमने क्या बताया, तुम स्वयं बताया त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु स्वसखा त्वमेव त्वमेवं विद्यांग द्रविण त्वमेव त्वमेवं सर्वं मम देव देव। आपने ये गीता में ये बात बताए ना, आप तो बताए जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, और गीता में आप ही बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हे अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, अगर आ जाओगे ना मेरे पाप नहीं लगेगा। बोले नहीं। बोले अहम तो आप सर्व पाप है को मुक्तस्यामी, मैं तुम्हें सारे पाप से मैं तेरे को मुक्ति आप ही तो बताए मुक्ति करा दूंगा, बंसुरी आप ही बजाए आप ही हमें बुलाए, फिर हमने सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आए, फिर तुम्हें हमें घर में भेज रहे हो। देखो कृष्ण जो उपदेश देता है वो होता है गुरु, जो उपदेश देता है गुरु, तुम जगत गुरु तुम हो कृष्ण बंदे, जगत गुरु तू, जब जगत गुरु तू है ना, इसलिए शास्त्र में बताया प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव मार्जनम्, पहले गुरु पूजा उसको बाद में तेरी पूजा है, कृष्ण की पूजा। आपने बताया ना आप भी तो जगत गुरु जगन्नाथ हो, जब आपकी पूजा करना हमारी पहला कर्तव्य है। जब गोपियों ने ये उत्तर दिया ना कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कृष्ण तेरे गोपियों को साथ में प्रभु रास किया है। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी कृष्ण उसको दूसरे आंख में पहना दी, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधन को गले में पहन ली थी ठाकुर जी सही सही श्रृंगार कर दी, जो आधा साड़ी पहन करके आई थी कृष्ण उनको पूरा साड़ी पहना दिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई सही सही श्रृंगार कर सकते हैं ना वो ठाकुर ही हमें अच्छे तरह से सजा सकते हैं, ठाकुर ही हमें अच्छे तरह से सजा सकते हैं। ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार कर दी, और जब पसीना अगर निकले कृष्ण अपना दोपटा से पसीना भी पोंछ रहे, कृष्ण कभी कभी कह रहे थे मुमिया थक गई हो पर चरण दबा दो। देखो माताओं के अंदर में एक अपगुण भी है, बल्कि क्या अपगुण है, अगर पति जिस पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है फिर पत्नी क्या करती है पति का सर पर चढ़ बैठती है। अभी गोपियों के अंदर में तो बड़े सौभाग्य मत प्रकट होंगे, बोले भैया कृष्ण तो हमें बड़े प्रेम करते हैं, हमारे सिवाय इनका काम ही नहीं चलेगा। इतने में गोपियों के अंदर में ये अभिमान आ गई, अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा की बगैर हम पूर्ण है, राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, इनके अंदर में स्वतंत्र नायिका की भावना है।
कृष्ण ने देखा भैया ये रास तो राधा रानी के लिए ही रास है, लेकिन ये गोपियों के अंदर में ये अभिमान आ रही है राधा जी के बगैर हम पूर्ण हैं, राधा जी की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इतने में श्री श्याम सुंदर ने राधा जी की मान हो गई, क्यों? एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी थे। गोपियां देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में, कृष्ण और उसके पास में नहीं, लेकिन राधा रानी अकेली देख रही थी कृष्ण सबको पास में और कृष्ण मेरे पास में भी। इतने में राधा रानी में मान हो गई, क्या मैं ये सबके साथ में बराबर हो गई हूँ? पिछले राधा रानी मान करके रास लीला ने त्याग दी। जब राधा रानी चली गई पर कृष्ण ये गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए कृष्ण वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। जब अंतर ध्यान हो गई जैसे एक हाथी जैसे हस्तिनी के झुंड को छोड़ने पर हस्तिनियां पागली भी हो जाती हैं, ऐसे ही जितने गोपियां कृष्ण विरह में एकदम पागली बन गई, कृष्ण लीला की अनुकरण कथा करने लग गई और लता पता वृक्षों को प्रश्न कर रहे थे, बरगद पीपल पेड़ को देखे बोले हमारे श्याम सुंदर को देखे हो, कुछ बोले नहीं, बोले पेड़ तो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन फल बहुत छोटे छोटे है, मतलब इनका जो मन है ना बड़ा छोटा मन है। फिर लताओं को माधवी लताओं को पूछे बोले भैया हमारे श्याम सुंदर को देखे हो और तुम्हें तो बड़े सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, लगता है जरूर श्याम सुंदर तुम्हें स्पर्श किया है तभी इसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, तुम हंस रही हो। फिर उन्होंने तुलसी कल्याणी को प्रश्न की बोले श्याम सुंदर को देखे हो, तुलसी कुछ बोली नहीं, बोले ये स्त्री जाती है ना, एक स्त्री को दूसरे स्त्री देख नहीं सकती, वो डहा हो जाती है इनके अंदर में। ऐसे करते करते उन्होंने पृथ्वी से प्रश्न की बोले हे पृथ्वी हमारे श्याम सुंदर को देखे हो, क्यों? तू सर्वत्र व्याप्त हो, तू तेरे को तो पता होगा कृष्ण कहाँ गए। इतने में जब पृथ्वी को पूछे अभी कृष्ण का चरण चिन्ह देखे, कृष्ण के चरण में 19 चिन्ह है और किसी को चरण में 19 चिन्ह नहीं है, केवल कृष्ण को चरण में, जैसे राम है 6 चरण चिन्ह होगा, नारायण उनमें 4 ही चरण है, लेकिन कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है इसलिए उन्हीं के चरण में ही ये 19 चिन्ह है। देखो हम लोग कहते हैं ना कृष्ण का चरण को स्मरण करो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए, बोलते हैं ना अध्यात्म कृष्ण, क्यों? कृष्ण चरण को स्मरण करने से जीवन का सारे दुख क्यों दूर हो जाएगा? इनके चरण में चक्र है, अगर चक्र को आप स्मरण करना आपका जीवन में जितने बड़े बड़े शत्रु होगा वो सारे शत्रु विनाश हो जाएंगे, और हमारे बड़े बड़े शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ है, सब खत्म हो जाएंगे। उनके चरण में कमल फूल है, आप कमल फूल का स्मरण करो जैसे कमल फूल से खुशबू निकलती है, देखना तुम्हारे जीवन में बड़े सुंदर सुगंध निकलेगा। उनकी चरण में स्वस्ति है, स्वस्ति की मंगलवाची, उनकी स्वस्ति को स्मरण करो तुम्हारे जीवन में सारे मंगल मंगलमय होगा, रखना मंगल भवन अमंगल हर, जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगा। उनकी चरण में जा है ध्यान है, अगर उसको स्मरण करोगे ना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में खूब पैसा घर में आएगा। उनके चरण में झंडा पताका, उसको स्मरण करो सारा दुनिया में तुम्हारी जय जाएगी, सारा दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। इसलिए जो 19 चिन्ह है उसका अलग 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 उनके चरण में संख है, संख उसको स्मरण करो जहां जाओगे तुम्हारे जीवन में विजय होगा, कभी तुम पराजय कभी जिंदगी में पराजय कभी जिंदगी में नहीं हो गए। इसलिए कृष्ण का चरण चिन्ह देख करके समझ गए भैया ये तो कृष्ण का चरण चिन्ह, क्यों? कृष्ण को सब गोपियां सेवा करती हैं, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में एक बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर किसी किशोर जी की चरण चिन्ह देखे। हाँ देखो जो सखिया है ना वो तीन तरह का है, एक तटस्थ, एक है सपक्ष और एक विपक्ष, ये चीज को समझ लो, ये तीन चरण का सखियां हैं। बोले सपक्ष मतलब जो केवल राधा जी की सुखी में सुखी, राधा जी के दुख में दुखी। बोले तटस्थ मतलब जो कृष्ण को भी भक्ति करते हैं और उसे राधा जी को भी भक्ति करते हैं। बोले विपक्ष मतलब
जो केवल कृष्ण की सुख में सुखी और कृष्ण का दुख में दुखी। अभी जो राधा जी की चरण की जो सेवा करती है, जो विपक्ष जो गोपियां वो राधा जी की चरण की सेवा नहीं करती है, इसलिए राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह है उनको इस बात पता ही नहीं। लेकिन जो राधा जी के चरण की सेवा करती है उनको पता है, इसलिए कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में जो एक छोटी सी चरण थी वो राधा रानी का चरण है। अब ये चरणों को देख करके जो राधा जी के पखिये वाला जो गोपियां थी ना भैया बड़े खुश हो गए, बोले देखो यहाँ पर यद्यपि सब गोपियां तो थी लेकिन कृष्ण सब रहते हुए भी साथ में किसको लेकर गए देखो तो सही, ये हमारी किशोरी जी को लेकर गए, हमारी श्री राधा रानी को लेकर गए। इसका मतलब है हमारी जो राधा रानी ये सर्वोत्तम रूप में कृष्ण की सेवा की। इसलिए अब वृंदावन में जाओ इसका नाम सब दुनिया लेते हैं, बोलो कोई बोल नहीं, और जोर से बोलो, और जोर से। इसलिए वृंदावन में श्री सबके सब श्री किशोर जी की श्री राधा जी का नाम वृंदावन में सब राधा जी की नाम को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए देखा वो जो बीच का चरण था वो बीच का चरण भी है ही नहीं, बोले भैया ये बीच का चरण कहाँ चला गया। और ये गोपी कहती है ये हृदय में तो ये ज्यादा पीड़ा रहने वाली, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण को देखो वो थोड़ी सी ज्यादा नीचे दबा हुआ, बोले मतलब क्या, बोले मतलब नहीं समझ रहे हो कि जो कृष्ण है ना उनको अपना गोद में उठा करके लेकर गए, ऐसे करते 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 जब जा रहे थे इतने में श्री श्याम सुंदर राधा जी को लेकर गए वृंदावन में एक सेवा कुंज है, वहां पर एक श्रृंगार बने जहां पर कृष्ण सुंदर सुंदर फूलों की माला बना करके श्री राधा रानी को अपना हाथों से उन्हें सजाया, उसका नाम श्रृंगार बने। जब वहीं पर ये गोपियां ढूंढते ढूंढते पहुंचे इनकी हैहोल्ला सुन करके कृष्ण बोले देखो राधे चलो हम जल्दी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर गोपियों ने देख लिया मैं केवल तुम्हें अकेले लेकर के आया हूँ फिर तो मान करके बैठे फिर ये महारास नहीं हो सकती है। लेकिन राधा रानी सोच रही थी मैंने जो काम किया अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि जो गोपियां है कौन थी और कोई नहीं, राधा जी की एक एक भाव भी ये एक एक गोपी रूप धारण की है, जैसे मैं भी सब कुछ छोड़ करके कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी हूँ, ये लोग में तक सब कुछ छोड़ करके कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी है, और मैं अकेले कृष्ण को ला करके ये आनंद ले रही हूँ, और ये गोपियां बिलख बिलख करके रो रही हैं। अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी बन जाता श्याम सुंदर मेरे को थोड़ी सी मनाने लगे फिर गोपियां पास में आ जाएंगे तो फिर हम सबके सब रास करेंगे। इतने में कृष्ण जब बोले राधे चलो हम यहाँ से और कहीं चले जाते हैं, राधा रानी को मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे रासों से आप उठा करके लाए हो यहाँ से आप मेरे को उठा करके ले जाओ, बोले क्या मेरे कंधे पर बैठोगे, बोले बैठा लो। जब राधा रानी बैठने के लिए गई कृष्ण वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राधा रानी वहीं पर हाँ कृष्ण करते करते राधा रानी बेहोश हो गई। फिर गोपियां आकर के राधा जी को होश दिलवाई, बोले देखो कृष्ण को ढूंढो मत, बोले क्यों, वेद कहता है बोले न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहू न श्रुते न, ये वेद कहता है वो भगवान को कोई विद्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई पांडित्य को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई बुद्धि को द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो कैसे प्राप्त होते हैं, बोले सही जाने जाने देहू जाना है। उनको वही जान सकते हैं अगर वो कृपा करके किसको स्वयं को जाना करे वही व्यक्ति ही उनको जान सकते हैं, लेकिन वो किसको जनाएंगे, बोले जिसको पर में कृपा करेंगे, बोले उनकी कृपा होएगी कैसे, बोले कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखे, भगवान को पता है ये कलयुग में जीव इतने कठोर साधन नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान कलयुग में बोले कोई ज्यादा साधन भजने की जरूरत नहीं,
कलयुग में केवल ठाकुर का अपना नाम जप कर, ठाकुर जी की थोड़ी सी नाम जप करने से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के बल नाम कलयुग में